हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, वीडियो क्लास में आज हमारा टॉपिक है आई का ही, हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 9। ठीक है, और देखिए पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, और पिछले वीडियो में हमने रॉड सेल और कोन सेल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी किया था। ठीक है, रॉड सेल के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि रॉड सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, कब काम करेगा, इसकी क्या क्या शर्तें होती हैं, कितने पाए जाते हैं, है ना। पूरा हमने रॉड सेल का इंटरव्यू लिया था पिछले वीडियो में, और कोन सेल का भी हमने पूरा इंटरव्यू लिया था पिछले वीडियो में। तो आज हम बच्चों सिर्फ और सिर्फ फटाफट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हेन है ना, हेन के बारे में कि मुर्गियां जो होती हैं इनको जैसे ही मुर्गियों को अंधेरा होने लगता है ना, जैसे ही अंधेरा होने लगता है इनको दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है, और सारी मुर्गियां जो है वो सो जाती हैं। अंधेरा होने लगता है तो दिखाई नहीं देता इनको, और सुबह जैसे ही सन आता है तो सबसे पहले उजाला होते ही सबसे पहले मुर्गियों को ही पता पड़ता है, मुर्गियां या मुर्गे इनको पता पड़ता है और ये उठ जाते हैं। ठीक है, तो उजाला होते ही इनको दिखाई देने लगता है, और ये कहते हैं ना कि ये भाग देते हैं ना कुकड़ू कू, तो पहले के अलार्म हुआ करते थे कि कुकड़ू कू ये बोलते थे, तभी नींद खुलती थी और उठते थे, देखते मतलब हम सब लोग को भी पता पड़ता था कि अच्छा भाई दिन हो गया। ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मुर्गे या मुर्गियों के अंदर कोन सेल्स है ना, कोन सेल्स क्या करते हैं बच्चों, तो कोन सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन सेल लाइट में उजाले में काम करते हैं, और ये हमको देखने में मदद करते हैं, और साथ में ये हमको कलर भी बताते हैं कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कौन से कलर का है, ये बताते हैं हमको कौन सेल। और कौन सेल को याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे मेहंदी का कौन होता है, तो मेहंदी के कौन से आप क्या लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी आप अंधेरे में लगाते हैं या उजाले में लगाते हैं, उजाले में लगाते हैं। और मेहंदी लगने के बाद आपके हाथ पर मेहंदी क्या देती है, तो रंग देती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन मेहंदी का कौन है, तो कौन काम करेगा उजाले में ही काम होता है कौन से, और ये क्या देता है, रंग देता है। तो कौन सेल जो होता है ये आंखों के रेटिना के अंदर पाई जाती है, आंख के रेटिना के अंदर पाया जाता है, और ये कौन सेल कलर मतलब दिन में ही ये काम करेगा और कलर बताएगा, ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करेगा और साथ में कलर भी ऑब्जेक्ट का बताएगा। अब ये कौन सेल जो होता है ये इन मुर्गियों के अंदर कौन सेल तो होता है और बहुत ज्यादा होता है, तो दिन में तो इनको नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से ये देख लेते हैं। ठीक है, तो दिन होते ही कौन सेल चूंकि ज्यादा होता है ना, तो दिन होते ही उजाला होते ही हमारी नींद अगर नहीं खुलती है तो भी ये हमको जगा देते हैं ना, कुकड़ू को ये बोलेंगे और हम जग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमको जगाने का काम करते हैं। लेकिन लेकिन रॉड सेल है ना, जो कि दूसरा वाला सेल होता है रॉड सेल, जो कि हमारी आंखों के रेटिना के अंदर पाया जाता है, ये रॉड का मतलब होता है रात, ये रात में देखने में मदद करता है, लेकिन ये कलर नहीं बता सकता क्योंकि कलर के लिए उजाला होना जरूरी है। ठीक है, तो उजाले में ही कलर का पता पड़ता है, तो रॉड सेल जो है वो रात में देखने में मदद करता है। तो क्या मुर्गियों के अंदर रॉड सेल पाया जाता है, नहीं पाया जाता, मुर्गियों के अंदर रॉड सेल नहीं पाया जाता है, इसलिए मुर्गियों को बोला जाता है मुर्गियां या मुर्गे, ये रात में क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है क्योंकि इनके आंख के रेटिना में गॉड ने कौन सेल सॉरी रॉड सेल नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया है, नाम मात्र का नहीं दिया है, ठीक है, लगभग नहीं है, तो इनमें रॉड सेल है नहीं, इस वजह से इनको नाइट में दिखाई नहीं देता है और इनको डे में दिखाई देता है। तो इस सवाल का जवाब बच्चों आपको मिल गया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो उल्लू होते हैं इनको दिन में तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन रात में जो है इनको दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसके पीछे थोड़ा सा कुछ दूसरी बात भी है ना। उल्लू के अंदर रॉड सेल, रॉड सेल क्या करेगा भाई, रॉड सेल रात में देखने में मदद करेगा, कौन सेल क्या करेगा, तो कौन सेल जो है वो दिन में देखने में मदद करेगा। इसके अंदर कौन सेल ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, कौन सेल इसके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, है ना, कौन सेल इसके अंदर होते हैं, सॉरी कौन सेल इसके अंदर होते हैं और रॉड सेल इसके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। तो रॉड सेल ज्यादा पाए जाएंगे तो रात में तो ये अच्छी तरीके से देख लेता है, नाइट में तो ये देख लेता है, लेकिन इसके पास कौन सेल भी होता है, दिन में देख सकता है ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, देखो प्रॉब्लम आती है इसकी आंख में, इसकी आंखें होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और आंखों का जो ये आयरिस है ना, देखो हम लोग की क्या होता है कि हम लोग के जब अंधेरे में है मतलब दिन रात में है, तो रात में ना ये बड़ा देखो दरवाजा पूरा खुला हुआ है, ठीक है, तो दरवाजे को खोल के रखा जाता है तो ये प्यूपिल है ना, प्यूपिल मतलब ये दरवाजा खुला हुआ है तो प्यूपिल काफी बड़ा है, बड़ा है तो रात में इसमें से ज्यादा अंदर रोशनी जाएगी, रोशनी को ज्यादा आने दिया जाता है, दरवाजा खोल दिया जाता है अगर अंधेरा है तो, ठीक है, अंधेरा है तो भाई दरवाजा खोल दो, पूरा दरवाजा खोल दो ताकि रोशनी अंदर आए और दिखाई दे, ठीक है, तो रोशनी को अंदर जाना है आंखों के अंदर ताकि दिखाई दे, इसके लिए दरवाजा
पूरा खुला हुआ है, ये कंडीशन, ये सिचुएशन नाइट की है, नाइट में, ठीक है। जब डे होता है, दिन होता है, तो ये कहता है कि भाई अब इतना दरवाजा खोले हो, बहुत सारी रोशनी अंदर आंखों के आ रही है ना, दरवाजे को बंद करो, बंद करो, बंद करो। कौन कह रहा है? ये कह रहा है, उल्लू कह रहा है ना, उल्लू कह रहा है कि दरवाजे को बंद करो भाई, है ना। अब हमारे अंदर जनरली क्या होता है हम लोग की आंखों में, कि फटाक से दरवाजे को बंद किया जाता है, लगभग 10 से 30 सेकंड में दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। और ये अगर मैं बनाऊं तो हमारी आंखों के अंदर ये और ये क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। दरवाजा देखो बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया, ठीक है, ये छोटा हो जाता है। अब रोशनी आंखों के अंदर कम जाती है, जब आंखों के अंदर रोशनी कम जाएगी तो हमको आराम से क्लियरली दिखाई देगा, लेकिन इसके दरवाजा बंद नहीं हो पाता है, है ना। कह रहा है अरे दरवाजा बंद करो, बंद ही नहीं हो रहा है, दरवाजा बंद नहीं किया जा रहा है, उतना का उतना दरवाजा खुला हुआ है, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा रोशनी आंखों के अंदर जाती है। अब इतनी ज्यादा रोशनी अगर आंखों के अंदर जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये ऐसा इसको लगेगा ना कि बहुत हैवी हैवी टॉर्च इसके आंखों पर जलाया जा रहा है, ठीक है। अब आंखों पर इतनी हैवी टॉर्च जलाया जाए, क्योंकि आंखों के अंदर इतनी ज्यादा रोशनी जा रहा है ना कि इसको भयंकर चमक रहा है, ठीक है, ये देख नहीं पा रहा है, एकदम ऐसे लग रहा है इसको कि आंखों पर बहुत बड़ा बड़ा कोई हैलोजन टॉर्च लगा रह दिया हो। तो ये क्या करता है, अपनी पलकें झपका लेता है और बिल्कुल ऐसे ढक लेता है अपनी आंखों को, इतना अनकंफर्ट फील करता है ना कि वो हो ये उजाला कब जाएगा, ठीक है, एकदम अपनी आंखों को बंद कर लिया है। तो आंखों को बंद कर लिया तो ऐसा नहीं है कि ये रात दिन में देख नहीं सकता, दिन में देख सकता है, देखने की क्षमता है, लेकिन ये जो गड़बड़ हो गया ना, दरवाजा ही बंद नहीं हो पा रहा है। अगर दरवाजा बंद हो जाता तो ये देख लेता, दरवाजा बंद नहीं हो पाता है तो दरवाजा खुला है, ज्यादा लाइट जा रही है, आंखों पर ही लाइट चमक रहा है। इस वजह से हमारे भी अगर आंखों पर कोई टॉर्च मारेगा तो हम क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि वो अपने साइड में कर लो, है ना, तो बहुत ज्यादा चमक जाता है। बस वही सिचुएशन इसकी होती है दिन में, इस वजह से दिखाई तो देता है लेकिन ये अपनी आंखें पलकें अपनी झपका करके और ढक करके रखता है ताकि अनकंफर्ट जो इसको लग रहा है ना, वो मतलब ऐसा इसको फील हो रहा है, अनकंफर्ट फील हो रहा है, तो उससे बचने के लिए जैसे ही अंधेरा मतलब रोशनी जाने लगती है तो इसको कंफर्ट लगता है, तो ये अपनी पलकें खोल देता है, ठीक है, कंफर्ट जोन में आ जाता है और वापस ये देखने लगता है। तो हमको ऐसा लगता है कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता और रात को दिखाई देता है, ऐसी वाली बात नहीं है, देखने की क्षमता तो है लेकिन ये यहां पर गड़बड़ी होने की वजह से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बिल्लियों पर, बिल्लियों के अंदर क्या होता है, कौन सेल, है ना, कौन क्या करते हैं, दिन में देखते हैं, तो इसके अंदर कौन सेल तो मिनिमम होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन मिनिमम होते हैं, लेकिन रॉड की बात करें जो रात में देखने में मदद करते हैं, वो इसके पास मैक्सिमम होते हैं, इसकी आंख में बहुत सारे होते हैं। तो जब अंधेरा रहता है, लाइट नहीं है, है ना, अंधेरा हुआ है, तब हमको बिल्ली कब आ गई हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन बिल्ली को ना उस समय सब कुछ दिख रहा है, उसको सारा रास्ता दिख रहा है, वो आप बैठे हो, आपके बगल में कोई बैठा है, उसके बगल में कोई बैठा है, आप लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं और बिल्ली वहीं से आपके बीच से होकर के निकल जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपकी आंखों में जो रॉड सेल है ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको मतलब रात में दिखे, लेकिन बिल्लियों में हम लोगों से ज़्यादा रॉड सेल स्ट्रांग है, तो वो बिल्ली आपके पास से ही निकल जाएगी, आपको दिखेगा नहीं, बट बिल्ली को सब कुछ दिख रहा है, वो आपसे टच भी नहीं हो रही है, कैसे दबे पाँव निकल गई है ना, क्योंकि उसको तो सब कुछ दिख रहा है कि भाई यहाँ आप बैठे हो, यहाँ आपकी फ्रेंड बैठी है ना, तो इसके दोनों के बीच से ही निकलना है, दोनों को पता ना चले। जब बर्तन की किचन में पहुंच गई और उसने दूध को भी देख लिया कि ये दूध है, ठीक है, और जब वो दूध का जब दरवाजा मतलब जब ढक्कन हिलता है, गिरता है, आवाज आती है, साउंड आती है ना, तब हम भाग के जाते हैं कि अरे ये तो बिल्ली थी। अच्छा, हम भाग के जाते हैं ना तो भी हम उस बिल्ली को देख नहीं पाते हैं, इतनी फटाक से फुर्ती से वो निकल जाती है, ठीक है। तो क्योंकि इनको ज्यादा दिखाई देता है रात में, क्योंकि इनके अंदर रॉड सेल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जो कि रात में देखने में मदद करते हैं। अब हम आ जाते हैं हम अपने इंसानों पर, क्या हम इंसान दिन में और रात में दोनों टाइम देख सकते हैं? यस, दोनों टाइम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कौन सेल पाया जाता है जो कि हमको दिन में देखने में मदद करता है, उजाले में हम भी कलर देख पाते हैं, क्योंकि कौन सेल कहता ही है, उसकी शर्त ही यही है कि भाई उजाला रहेगा तब मैं आपको कलर बताऊंगा, ठीक है। और हमारे अंदर कौन सेल हो गया, एक मिनट मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, यहाँ पे रॉड सेल यहाँ पे नाइट होना चाहिए और कौन सेल, ओहो कौन सेल यहाँ पर डे, कौन सेल डे तो सही है, कौन सेल डे सही है, अच्छा मैंने कौन कौन दोनों जगह लिख दिया ना, गलत कर दिया, यहाँ पे रॉड सेल लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये रॉड सेल, ओहो ये मार्कर तो चल नहीं रहा है, देखो यहाँ पर
रॉड सेल। हम लोग के आंखों में रॉड सेल्स और कॉर्न सेल्स दोनों होते हैं, तो हम दिन में भी अच्छी तरीके से देख पाते हैं और रात में भी देख पाते हैं, लेकिन हम रात में कलर नहीं देख सकते, ठीक है। कलर हमको दिखाई नहीं देगा, अगर बहुत ज़्यादा उजाला है तो हमको कलर समझ में आता है, लेकिन रात में हम ये तो देख सकते हैं कि वो चीज़ है, वो चीज़ है, वो चीज़, वो वहाँ है, वो वहाँ पेड़ है, ठीक है, उसके पास वो पत्थर रखा हुआ है, पत्थर के एक टेबल लगी हुई है, वो दूर से दिखाई दे रहा है हमको कि वो टेबल लगी हुई है, टेबल के ऊपर एक टेबल क्लॉथ भी लगा हुआ है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो टेबल क्लॉथ कौन से कलर का है, ठीक है। जैसे ही लाइट ऑन होगी, टक 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 स्विच ऑन, ठीक है, बहुत सारी रोशनी होगी तो हमको सब कुछ दिखाई देने लगेगा, कलर दिखाई देगा। तो दिन में भी देख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं, लेकिन रात में हम कलर नहीं देख सकते, क्योंकि कलर देखने के लिए हमको उजाले की जरूरत होती है। तो हम इंसान के पास रॉड सेल और कॉर्न सेल दोनों ही पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इस वजह से हम दिन में भी और रात में भी देख सकते हैं। अगर हम बुल की बात करें, है ना, बुल यानी कि क्या, सांड, है ना, सांड जो होते हैं बुल, ठीक है। तो अगर हम बुल की बात करते हैं तो बुल जो होता है यानी कि जो सांड होते हैं उनमें क्या होता है, इनके पास इनकी आंखों के अंदर, है ना, इनकी आंखों के अंदर क्या होता है, कलर देखने के लिए हमको क्या चाहिए, कॉर्न सेल। तो इनकी आंखों के अंदर जो कॉर्न सेल होता है, इस कॉर्न सेल में रेड कलर को देखने वाला केमिकल नहीं होता, ठीक है, ये रेड कलर को नहीं देख सकते, ठीक है, रेड कलर को ये नहीं देख सकते हैं। तो रेड कलर के लिए बुल जो होते हैं, जो सांड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अंधे होते हैं, ठीक है, इनको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, मान लो, है ना। रेड कलर को देखने की क्षमता बुल के अंदर होती ही नहीं है, इस वजह से जब हम ये रेड कलर ले लेते हैं और ऐसे 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 से हिलाते हैं तो बुल को जो है ये चीज़ कलर उसको दिख ही नहीं रहा है, ये बात उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुपट्टा है, ठीक है, ये कलर है, कलर नहीं दिख रहा है, दुपट्टा उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको तो ये लग रहा है कि कोई हथियार है और ये बंदा इस हथियार से मुझे मारने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको हिला रही हूँ, है ना। तो इस वजह से वो हम उसके ऊपर इस हथियार को फेंकने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं, उससे पहले वो जो है फू फू करते हुए और वो हमारे ऊपर अटैक कर देता है, समझ में आया आपको। तो बुल को तो रेड कलर की पहचान ही नहीं है, है ना, रेड कलर वो पहचान नहीं सकता, क्योंकि रेड कलर के को पहचानने वाले कौन सेल्स, कौन सेल भी कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था कौन सेल में, तो रेड कलर को पहचानने वाले कौन सेल बुल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो आई होप बच्चों के आपने इंजॉय किया होगा और ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैम जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा यही होगा कि जो हम ये चौक खाते हैं, ठीक है, अब मैं खाकर नहीं दिखाऊंगी, जो चौक खाते हैं या फिर पेंसिल की लीड खाते हैं या फिर कागज खाते हैं या मुल्तानी मिट्टी खाते हैं, तो ये खाने का मन क्यों करता है, खाने से हमको फायदा है या नुकसान है, क्या नुकसान है हमको या क्या फायदा है, ठीक है, उन सारी चीज़ों, या हमारा मन ही क्यों करता है खाने का, हम क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑल, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, ओके, नेक्स्ट डे।